हेलो एवरीवन, मैं निर्मला यादव, लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जो एलिमेंट्स ऑफ सी का ही एक पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने सी के बेसिक एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे हमारे कैरेक्टर सेट्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आज के इस लेक्चर में ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। ये ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट जो हम अब तक मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे थे, उन्हीं ऑपरेटर्स के सिमिलर हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ऑपरेशन का। ऑपरेटर्स किसी भी ऑपरेशन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। लेट हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, ए प्लस बी। इस एक्सप्रेशन में प्लस हमारा एक ऑपरेशन है जो हमारे ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उनको ऐड करने का काम करेगा। इस एक्सप्रेशन में ए जो है और बी है, इसको इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स और जो प्लस साइन जो हमने बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल दिया है, इस सिंबल को हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। यदि किसी ऑपरेटर को हम सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस ऑपरेटर को हम यूनेरी ऑपरेटर बोलते हैं। यदि हम ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे, और यदि हम किसी को थ्री ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स बोलेंगे। एक एक करके हम इन सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। यूनेरी, बाइनरी और टर्नरी, ये जो क्लासिफिकेशन था ये हमारा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर था। यदि हम ऑपरेंड कितने नंबर हम ऑफ ऑपरेंड्स हम यहाँ काम में लेते हैं, कुछ ऑपरेटर्स को उनके टाइप के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई किया गया है कि कोई भी ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो किस प्रकार की कैटेगरी में होगा। एग्जैक्टली यदि हम किसी ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, रिलेशनल करवाते हैं तो वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, यदि हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो उनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलेंगे, यदि हम कोई बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करवा रहे हैं तो हम उनको बिटवाइज ऑपरेटर्स बोलेंगे। असाइनमेंट, यदि हम किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, उसको देना चाह रहे हैं, तो वो ऑपरेटर्स हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आएंगे। और यदि हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं किसी सिंबल के थ्रू, तो उन सिंबल्स को हम कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे वही मेन ऑपरेटर्स होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में काम में लेते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्लस ऑपरेटर, एज यू नो कि दिस इज द एडिशन ऑपरेटर, इसमें हम ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसका सम होके हमारे पास रिजल्ट आएगा। सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते हैं, ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू को हम माइनस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ सी में ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ऑपरेटर काम में लेते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में इसको काम में लेने की बजाय हम इस ऑपरेटर को काम में लेंगे। डिवीजन के लिए भी एग्जैक्टली हम यह सिंबल काम में लेने की बजाय ये सिंबल हम सी लैंग्वेज में काम में लेंगे। इसमें बी स्लैश ए का मतलब है कि बी में जो भी वैल्यू है उसको हम ए से डिवाइड कर देंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली हमारा रिमाइंडर निकालने के लिए काम में आता है। साथ ही ये दो नए ऑपरेटर्स यहाँ हम दिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सेकेंड वन इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है ए प्लस प्लस
कोई कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका मतलब होगा ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, यानी ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो वन से इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ ए के अंदर वैल्यू टेन है तो इसका रिजल्ट हमारा 11 आएगा। एग्जैक्टली ए माइनस माइनस का मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए माइनस वन। इसमें वैल्यू जो है वो हमारी ऑपरेंड के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी एक से डिक्रीज हो जाएगी। ए की वैल्यू 10 है तो इट विल बी डिक्रीज्ड बाय 1 एंड द रिजल्ट इज 9। अब हम इन ऑपरेटर्स को बाइनरी, यूनेरी और टर्नरी ऑपरेटर्स में हम डिफाइन करें तो यहाँ हम देखेंगे प्लस ऑपरेटर को हम दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर। माइनस को हम अगेन दो पे अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो द बाइनरी। मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो बाइनरी, डिविजन ऑपरेटर इज ऑल्सो बाइनरी एंड दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर इज ऑल्सो बाइनरी, कि ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई हुए हैं। यदि हम प्लस प्लस और माइनस माइनस की हम बात करें, प्लस प्लस और माइनस माइनस की हम बात करें तो ये केवल एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई हुए हैं तो इनको हम यूनेरी ऑपरेटर बोलेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हमें दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। जब प्रोग्राम में हमें कोई कंडीशन देनी होती है तब हम इन ऑपरेटर्स को यूज में लेते हैं। इन ऑपरेटर्स के माध्यम से दी हुई कंडीशन यदि हमारी ट्रू होती है तो उस कंडीशन में यह वन रिटर्न करता है और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जीरो रिटर्न करेगा। यहाँ कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स दिए हैं जिसमें सबसे पहले इक्वलिटी कंडीशन को चेक करने के लिए ये दोनों सिंबल हम काम में लेंगे। यदि हम सिंगल इक्वल सिंबल काम में लेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आएगा, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर में यदि हमें इक्वालिटी कंडीशन चेक करनी है तो हमें दो इक्वल साइन देने पड़ेंगे। नॉट इक्वल टू के लिए हमारा ये सिंबल होगा और यदि हमें ग्रेटर देन की कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए हम इस सिंबल को काम में लेंगे। ये सिंबल लेस देन के लिए, दिस इज यूज्ड फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस इज यूज्ड टू चेक लेस देन इक्वल टू। लेट अस अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20। एग्जाम्पल से हम देखें तो यहाँ फर्स्ट में हमने दिया है ए इक्वल्स टू बी। यहाँ मेरी ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू मेरी 20 है। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 20, इट मीन्स द कंडीशन इज फॉल्स एंड इट विल रिटर्न जीरो। या नेक्स्ट केस में 10 इज नॉट इक्वल टू 20, कंडीशन इज ट्रू, इट विल रिटर्न 1। इन A is greater than B में 10 is greater than 20, again the condition is false, then it will return 0. In this case, A is less than B में 10 is less than 20, condition is true, it will return 1. Next case, 10 is greater than equal to 20, the condition is again false, it will return 0. And in A is less than equal to B में 10 is less than equal to 20, the condition is true and it will return 1. यदि अब हम इन ऑपरेटर्स को बाइनरी, यूनेरी और टर्नरी में हम डिवाइड करें तो यहाँ हम देखेंगे कि इन सारे ऑपरेटर्स में हम के लिए दो ऑपरेंड्स हम काम में ले रहे हैं। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हमने यहाँ काम में लिए हैं सबके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, इसलिए ये सारे ऑपरेटर्स हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आएंगे। दीज ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर्स। का मतलब होता है असाइनमेंट, मतलब किसी चीज को कुछ असाइन करना, कोई चीज उसको प्रोवाइड करना। तो यहाँ असाइनमेंट मतलब कि हम किसी एक वेरिएबल को कोई दूसरी वैल्यू या उस दूसरे वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो हम उसको दे रहे हैं तो वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू देंगे। यहाँ कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जैसे इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो आपकी बी के अंदर
चली जाएगी या बी को असाइन हो जाएगी। प्लस इक्वल्स टू, इस एक सिंबल का मतलब होता है कि बी के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू स्टोर होगी, वो हमारा बी और ए के सम के इक्वल होगी। माइनस इक्वल्स टू में बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारा बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होगा, मतलब बी में से हम ए की वैल्यू को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू हम बी को असाइन करेंगे। एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन के थ्रू, इस ऑपरेटर के थ्रू हम बी के अंदर बी मल्टीप्लीकेशन ए की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। और इस डिवाइड एंड असाइनमेंट के अंदर हम बी के अंदर बी की वैल्यू को ए से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर कराएंगे। दिस इज परसेंट साइन इज बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि हमारे रिमाइंडर के लिए काम में आता है। और यहाँ हम बी को जब ए से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू हमारी एज ए रिमाइंडर होगी वो वैल्यू हम बी को असाइन करेंगे। अगेन यहाँ हमने जितने भी ऑपरेटर्स काम में लिए हैं वो सब के सब ऑपरेटर्स हमारे दो दो ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स ही बोलेंगे। लेट अज्यूम करते हैं ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 10 है, तो हमारी ये वैल्यूज किस तरीके से चेंज होंगी। तो बी में हम ए की वैल्यू डालेंगे तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू मेरा बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यदि इसकी हम बात करें तो बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो हमारी जो बी की वैल्यू है वो हमारी 15 हो जाएगी। यदि इसकी b इक्वल्स टू b माइनस a की हम बात करें तो दिस इज b इक्वल्स टू b माइनस a और ये हमारी वैल्यू 5 होगी। इसमें b इक्वल्स टू b मल्टीप्लीकेशन a जो कि 150 होगी। यहाँ b इक्वल्स टू b डिवाइड बाय a जो कि 2 होगा और b इक्वल्स टू b इट मीन्स 10 मॉड्यूलस 5 रिमाइंडर। जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो इसका रिजल्ट हमारा 0 आएगा। बिटवाइज ऑपरेटर, जब अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है तो वो सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बिट लेवल पे परफॉर्म होते हैं। उन्हीं बिट लेवल ऑपरेशंस को ही हम बिटवाइज ऑपरेशंस बोलते हैं। सी में भी कुछ बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं जो बिट बाय बिट काम में आते हैं। इनमें हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में होता है कि यदि मेरी दोनों बिट्स 1 होंगी तो ये मेरा रिजल्ट में 1 देगा, अदरवाइज इट विल गिव द 0। बिटवाइज और में होता है यदि दोनों में से कोई भी एक बिट मेरी 1 होती है तो वो 1 रिजल्ट देगा। यह जो है ये बिटवाइज XOR ऑपरेटर है। XOR ऑपरेटर में होता है कि यदि मेरी दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी तो उस केस में वो मेरा 1 रिटर्न करेगा और दोनों वैल्यू सेम हुई तो वह मेरा 0 रिटर्न करेगा। ये मेरा बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट है और इसको बिटवाइज नॉट ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसमें यह हर एक बिट का स्टेटस चेंज कर देता है। यदि उस बिट का स्टेटस 1 होता है तो वो कन्वर्टेड इनटू 0 और यदि वह 0 है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ऑपरेटर है ये बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। इसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड की जो बिट्स होती है हम सेकंड ऑपरेंड्स की बिट के अकॉर्डिंग, जितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं सेकंड ऑपरेंड्स में, जितने नंबर्स होते हैं उतने नंबर से उन बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेशन है। इसमें हम फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू को सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू के बराबर राइट शिफ्ट करते हैं। चलिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 9 है। जब हम इनके बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे तो ए को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बाइनरी कन्वर्जन 5 का यह होगा। यदि बी 9 है तो इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बाइनरी कन्वर्जन ये होगा।
यदि हम इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेशन, तो ये एक एक बिट वाइज ये चेक करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि यदि दोनों बिट्स मेरी वन है तो वो वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो जीरो रिटर्न करता है। तो इस केस में मेरी दोनों बिट्स वन है तो ये मेरा वन रिटर्न करेगा, यहाँ जीरो है जीरो करेगा, यहाँ पे एक वन और एक जीरो है तो इस कंडीशन में ये जीरो रिटर्न करेगा, इधर भी एक जीरो और एक वन है तो ये मेरा जीरो रिटर्न करेगा, यहाँ बाकी सारी जीरो बिट्स हैं तो इट विल रिटर्न द जीरो। तो दिस इज द बिट वाइज एंड ऑपरेटर जिसकी वैल्यू ये यहाँ है। सेकंड जो है वो बिट वाइज और ऑपरेटर है। जब हम बिट वाइज और ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे तो इसमें हम और ऑपरेटर में कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यदि दोनों बिट में से कोई भी एक वैल्यू वन है तो वह वन ही रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट केस में जब हम देखेंगे वन वन तो दोनों वन है, इस केस में वन रिटर्न करेगा, जीरो जीरो तो एक भी वन नहीं है, यहाँ मेरा जीरो रिटर्न करेगा, वन जीरो एक वन होनी चाहिए तो यहाँ पर एक वन है तो इट विल रिटर्न वन, इसमें भी ये वन रिटर्न करेगा, बाकी ये सब हमारे जीरो होंगे। इस नंबर का डेसिमल कन्वर्जन 13 होता है एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ ओर ऑपरेटर। यदि हम नेक्स्ट एक्सोर ऑपरेटर को हम देखें तो एक्सोर ऑपरेटर में कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दोनों बिट्स जो हैं वो सेम होंगे तो मेरा जीरो आएगा और दोनों बिट्स डिफरेंट हुई तो इट विल रिटर्न वन। तो यहाँ फर्स्ट केस में दोनों बिट सेम है वन वन तो ये जीरो देगा, सेकंड में भी सेम है तो इट विल आल्सो गिव जीरो, थर्ड में ये मेरी डिफरेंट है तो ये मेरा वन देगा एंड दिस विल गिव वन, बाकी ये सारी बिट्स सेम है तो ये जीरो रिटर्न करेगा। तो यहाँ ए एक्स और बी का जो रिजल्ट है वो ये होगा और जिसका डेसिमल कन्वर्जन 12 होगा। नेक्स्ट है बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज नोर ऑपरेटर। तो यहाँ मैं ए के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ तो ए की जो वैल्यू है वो मेरी 5 है जिसका बाइनरी कन्वर्जन ये है। अब यहाँ मैं एक एक बिट पर नॉट ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो फर्स्ट बिट कन्वर्टेड इनटू 1, इसकी स्टेज 0 से 1 में हो जाएगी, दिस स्टेज इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू 0 टू 1, ये भी 0 से 1 में आ जाएगी, ये 0 से 1, यहाँ वन है तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो है तो वन और दिस इज जीरो। तो ये मेरा इसका बिटवाइज नॉट ऑपरेशन हुआ जिसकी डेसिमल वैल्यू 250 होगी। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ हम बी जो है उसको बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो बी की वैल्यू जो है वो मेरी 9 है जो इस तरीके से है। यहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 दी है, हमने अज्यूम कर लिया है कि n की वैल्यू 1 है तो इस ऑपरेटर के माध्यम से हम b की वैल्यू को 1 बिट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब होता है जो मेरी लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और राइट में हम एक बिट इंसर्ट कर देंगे 0। और तो ये जो नंबर बनेगा इसको हम लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। यदि मुझे दो नंबर से दो बिट से शिफ्ट करना होता है तो हम यहाँ दो वैल्यूज को डिस्कार्ड करते और यहाँ दो वैल्यूज ऐड करते। तो इस तरीके से मेरी शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग को हम इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकते हैं वन बाई वन करके, बट दिस इज द सिंपल मेथड। लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट वाली बिट को डिस्कार्ड करो और राइट में हम जीरो इंसर्ट कर देंगे। एग्जैक्टली जब हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं बाइनरी राइट शिफ्ट में तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मेरा बी है, बी की वैल्यू मेरी ये है, जब हमें वन बिट से राइट में शिफ्ट करना है तो हम राइट मोस्ट बिट को इग्नोर कर देंगे, दिस बिट इज इग्नोर्ड, और लेफ्ट में जो है हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देंगे दैट इज जीरो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक एक बिट को हम शिफ्ट करते हुए राइट में जा रहे हैं और लास्ट में एट्थ बिट पे हम जीरो इंसर्ट कर देंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ राइट शिफ्ट ऑपरेशन। अब हम इन ऑपरेटर्स को हमारे बाइनरी, यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इस बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, यहाँ और के लिए भी हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, एक्सोर के लिए भी वी रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड्स,
बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी और बाइनरी राइट शिफ्ट के लिए भी हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे ऑपरेटर्स मेरे बाइनरी ऑपरेटर्स में आएंगे क्योंकि इन सब के लिए हमें टू ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। यहाँ एक बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट है जिसको हम बिटवाइज नोर ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इस ऑपरेटर के लिए हमें केवल सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत है इसलिए हम इसको यूनेरी ऑपरेटर बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन ऑपरेटर्स के लिए हमें थ्री ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है और इन ऑपरेटर्स का सिंबल जो है वो मेरा ये होता है। यहाँ हम दो सिंबल काम में लेंगे और हर एक सिंबल से पहले और बाद में एक ऑपरेंड को हम देंगे। जब हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इस कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स में सबसे पहले हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन में हम अपने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज में लेकर दे सकते हैं। उस कंडीशन की वैल्यू क्या तो मेरी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू के केस में वो वन रिटर्न करेगा और फॉल्स के केस में वह जीरो रिटर्न करेगा। यदि मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन के द्वारा रिटर्न होगी और यदि मेरी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यह डबल डॉट के बाद जो वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं जिसमें ए के अंदर 10 और बी के अंदर हमने 20 स्टोर करवाया है और उसके बाद हमने एक वेरिएबल सी लिया है जिसमें हमने असाइन किया है ये एक्सप्रेशन जिसमें हमने टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ में ले रखा है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कंडीशन दी है, सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा ए है। यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी जो सी के अंदर है वो ए की वैल्यू आएगी और यदि हमारा ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सी के अंदर हम बी की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा, ए की जगह हमने 20 और बी की जगह 20, ए की जगह 10 और बी की जगह 20 रखा। यहाँ देख कर हमें पता चल रहा है कि ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो C के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी और इसका आंसर जो होगा वो मेरा C इक्वल्स टू 10 होगा। क्योंकि इस पूरे ऑपरेटर्स में, कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमने तीन ऑपरेंड्स काम में लिए हैं जो कि हमारा ये ऑपरेंड 1, दिस वन इज ऑपरेंड 2 और ये मेरा ऑपरेंड 3 है, इसीलिए हम इनको टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। Thank you.